जिस तरह से आरएसएस देश के अंदर अपने संगठनों से काम करवा रहा है एक पर्टिकुलर समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लिए, वो अपने आप में व्याकुल करने वाला है। जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के, वो समाज को खंड खंड करने वाली स्थिति पैदा करने वाला है। आखिर राजनेता, प्रशासन, शासन इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाता है, सवाल ये खड़ा होता है। आखिर आगामी चुनाव के चलते देश के बैठे सर्व सर्वा जो हैं वो चाहते क्या हैं, देश में क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि देश के अंदर धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे मारकाट हो, तमाम हिंसा हो रही है। क्या सिस्टम के हाथ में काबू करना नहीं है? अगर नहीं है तो साफ कह देना चाहिए। जो ब्रिगेड तैयार करी गई है धर्म के नाम पे, आरएसएस के जो विंग्स हैं अलग अलग नाम से, राम के नाम पे, धन के नाम पे, मुस्लिम समुदाय का बायकॉट जिस तरह से किया जा रहा है और जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, असला तलवारें, कट्टे तमाम रैलियों के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और प्रशासन द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, यदि शासन प्रशासन के अंदर कोई अच्छा और ईमानदार अफसर आ जाता है तो घंटों में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह की स्थिति देश के अंदर बनती नजर आ रही है, बहुत भयावह है, बहुत आपातकाल स्थिति देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर आप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और इस जैसी तमाम जो संगठन बने हुए हैं जिनका कार्य है समाज के अंदर आतंक स्थापित करना आज के समय में, वो वीडियोज आप देख रहे हैं। हाल फिलहाल का ही दावा करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसको उत्तराखंड का बताया जा रहा है। उत्तराखंड चंबा गांव का है, टीरी गढ़वाल, जहां पे बजरंग दल आंदोलन कर रहा है। आंदोलन में सम्मिलित होकर आंदोलन को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। समस्त नगर क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि व्याधि मानसिकता के लोगों को न दुकान न मकान किराए पर अपने आसपास में रहने दें और तुरंत खाली कराएं। कल व्याधि मानसिकता के लोगों द्वारा 14 साल की नाबालिग बालिका को पहला फसला क्षेत्र से भगाने की कोशिश की जा रही थी, किया जा रहा है। समस्त नगर क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि ऐसे व्याधि मानसिकता के खिलाफ सभी आंदोलन में सम्मिलित होने का कष्ट करें। अपने आंदोलन में वो कह रहा है कि इस गांव में मुसलमान नहीं रहेंगे, मुस्लिम इस गांव को खाली कर दें। वहीं आसपास जो तमाम लोग रह रहे हैं उनको भी ये हिदायत दी जा रही है कि मुस्लिम समाज से अगर कोई ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति है तो उसको किराए पर मकान ना दें, उसको दुकान किराए पर ना दें। इस तरह की जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये सिर्फ उत्तराखंडी नहीं, हरियाणा और ना जाने कहां कहां पे इस तरह की चीजें चल रही हैं। हरियाणा से एक और वीडियो सामने आया है, गुरुग्राम के तिगरा गांव से ये वीडियो है, जहां पे मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर आप मीट मांस खाते हो तो मुस्लिम की दुकान से मीट मांस ना लो। हमारे माता पिता फसल बो के एक घर में एक थाली में रोटी खा लेते थे भाई, तो मेरा निवेदन यह है भाई कि इन किराएदारों को मत दो मीट मच्छी की दुकान, जैसे तिगरा में घुसे हम भाई, ऐसे मुसलमानों को मत दे, भूखे रह लेंगे। लेकिन इनका पैसा अपने हमारा पैसा इनके पास आता है, इनसे हम ले, तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है सभी ग्रामीण वासियों से जो यहाँ गुड़गावा के कोई भी आए हो, जैसे मैं कातिपुर से आया हूँ भाई, मैं भी अपने गाँव वालों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान कोई भी जमीन मत दो, और जो हमारे हिंदू भाई है, जो हमारे हिंदू भाई है वाल्मीकि है कोई भी है भाई, वो मीट की दुकान हिंदू भाई करे, बाहर से आके मुसलमान यहाँ कमाते हैं और फिर वो ही हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं। तो भाई हम सब जो भी तिगरा वाले हैं जिनके साथ भाइयों के साथ नाजायज हुआ है, जो कि हमारे भाई उस मौलवी को मारने में नहीं है क्योंकि वहां दंगे हुए थे और हमारे यहाँ भाइयों को फंसा दिया, तो भाई हम सब साथ हैं। आज
लेकिन ये आतंकवादी संगठन जो पैदा हो गए हैं धर्म का नाम लेके, जो उत्पाद मचा रहे हैं, वो ये नहीं जानते, ये तो उत्पाद मचा के चल जाते हैं, लेकिन इसकी चपेट में वहां का आम नागरिक आता है, चाहे चमन लाल हो या फिर खान, दोनों ही इसकी चपेट में आते हैं। जो आतंकी होते हैं, जो धर्म के नाम पे उपद्रव कर रहे हैं, उनके आकाओं ने उनको हुक्म दिया, वो किसी एक क्षेत्र में गए, वहां पे विवाद किया, उसके बाद वहां से बच निकले, उनको उस बात के पैसे दिए जाते हैं। और समाज के अंदर जो माहौल खराब होता है उसकी चपेट में कौन आता है? आप और हम जो उस स्थान में रह रहे हैं, वो लोग, उनके घरों का नुकसान, दुकानों का नुकसान और जान माल का नुकसान होता है। क्या कुछ है, बीबीसी ने एक स्टोरी कवर करी है, उसकी कुछ कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह राजनीति के चलते एक आम व्यक्ति की जिंदगी से खिलवाड़ राजनेता कर रहे हैं। मैंने एक खोखा मोल खरीदा था और मेरे पास आज कोई धंधा नहीं, मेरे 12-10 आदमी का परिवार है जी, मैं उनका पेट कहाँ से भर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। शहर के रहने वाले, हमने क्या बिगाड़ा किसी का, बच्चे रो रहे घर में, मातम बना पड़ा सर, कहाँ से पेट भरेंगे, कहाँ से रुपये लाएंगे इसको बनाने के लिए। वैसे परेशान है इस सरकार में, जुल्म पे जुल्म हुआ, हम तो इतना कहते हैं सर, हमें इंसाफ चाहिए। देखा आपने जिस तरह ये लोग बता रहे हैं कैसे इनकी दुकानें तोड़ दी गई, कैसे इनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया इनकी दुकानों के ऊपर अवैध करार देके। वहीं ऐसे तमाम सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोज आ रहे हैं, क्या प्रशासन वाकई में इनको रोक नहीं सकता है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है जिसके परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड से ही अल्मोड़ा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे साफ तौर पे कहा जा रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो --। जो बीजेपी के मंत्रियों ने भी ये नारे खुले मन से दिए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम ये है आज समाज के अंदर इस तरह के नारेबाजी गूंज रही है। साथ ही एक और नारा जो था वो लोनी में लगाया गया था, तमाम जगहों पे ये देखने को मिल रहा है, मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। साफ तौर पे है मुसलमानों को काट दिया जाएगा, जब वो कटेंगे तो राम राम का नाम जपेंगे। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मानसिकता के जो खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं हथियारों से लैस, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर किस तरह का समाज लोगों को देने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में सवाल है। बहुत दूर की बात क्या ही करें, राजधानी दिल्ली जहां पे मोदी जी भी बैठते हैं, अमित शाह भी बैठते हैं, राजनाथ सिंह भी बैठते हैं, तमाम लोग एजेंसियां राजधानी दिल्ली के अंदर हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से हिंदू महासभा की जाती है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करी जाती है, हवाला दिया जाता है कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाएंगे, उसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, तमाम अलग अलग देश हैं लेकिन सबसे ज्यादा संख्या जो है हिंदुओं की वो भारत के अंदर है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के रहेंगे। तुम काल हो, जैसे दिन तुम हिंदू अपने आप को बोलना शुरू कर देंगे, सरकार तुम्हारी बात सुनना शुरू कर देगी। यह सरकार आपकी आबादी 130 करोड़ है पूरे विश्व के अंदर, लेकिन आपको नहीं सुना जाता है। 120 करोड़ पूरे विश्व में इस्लाम के मानने वाले हैं, 67 देश हैं उनके, 140 करोड़ ईसाई मानने वाले धर्म वाले हैं, उनके 130 से ज्यादा देश हैं, 60 करोड़ के आसपास बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनके भी 14 देश हैं, लेकिन आप 130 करोड़ हैं और आपका एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। संकल्प करो कि हम हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे। हमें क्या चाहिए,
हिंदू राष्ट्र। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसके लिए सजग होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। और क्रांति की आवश्यकता पड़ी तो क्रांति भी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि भले ही साधु संत के लिए हिंसा बहुत अधूरी है, पर सुलह दुष्ट के खातिर हिंसा बहुत जरूरी है। अगर कोई दुष्ट पद खाता है तो उसको जो इस तरह से वो समझेगा, हमें समझाने के तैयार है, क्योंकि हम हिंदू महासभाई है, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदू हैं, और हिंदुत्व से जो लड़ेगा वह चूर चूर हो जाएगा। जो हिंदुत्व प्रवाह दिखाएगा वो चूर चूर हो जाएगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हिंदुओं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कौन है हम, कौन है हम, कौन है हम, कौन है हम, भारत माता की, भारत माता की, सावरकर का मंत्रमान हिंदू हिंदू हिंदुस्तान। तमाम ये जो लोग आप देख रहे हैं रैलियों के अंदर, इनके पास रोजगार है या नहीं है औपचारिक रूप से पता नहीं है, लेकिन इनकी जेब में पैसा ये संगठन डालते हैं, जिसके चलते ये इस तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें एक नेता का बच्चा है और एक आपका बच्चा है। नेता का बच्चा फैसल होटल में पार्टी कर रहा है और आपका बच्चा बैरिगेड पे चढ़ के जय श्री राम कर रहा है। तो फर्क देखिए, और लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह राजनेता अपने बच्चों को दूर रख के आपके बच्चों को इस दलदल में झोंक रहे हैं। तमाम इस तरह की घटनाएं पुलिस के सामने की जा रही हैं, पुलिस उनको संरक्षण एक तरह से देती है, पुलिस वहां मौजूद होती है, उसके बाद भी कोई पुलिसकर्मी उनको रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। ये नहीं कहता कि ये गैर संविधानिक कार्य है जो आप कर रहे हैं, ये गैर संविधानिक नारे हैं जो आप दे रहे हैं। कार्रवाई किस पे होती है? कार्रवाई उन तमाम लोगों पे होती है जिस पे आका चाहते हैं कि कार्रवाई हो। इस तरह का देश क्या आप चाहते हैं? भविष्य में किस तरह की कल्पना आप देश को लेकर कर रहे हैं? अपने बच्चों का भविष्य क्या ऐसे ही देश में आप देखते हैं? तमाम इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। आप इन सवालों पर क्या सोचते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार जरूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगर हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, थैंक्स का बटन दबाएं। गूगल पे के माध्यम से हमें आप आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।